जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं आप सभी हिंदी भाषियों के लिए हिंदी में भी वीडियो अपलोड करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो ये मेरा परिचय है। आप सभी का आभारी हूं क्योंकि आप सभी के साथ मैं और मेरा चैनल प्रतिदिन नई ऊंचाई छूने के लिए आगे बढ़ रहा है और मेरा मनोबल भी बढ़ता जा रहा है। मुझे बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है जब सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस और टेक्नोलॉजीज को मैं सीखता हूं और आप सभी के साथ ज्ञान को साझा करता हूं। ये मेरा अब मकसद भी है कि उन सब तक अपनी नॉलेज आप सबके सहयोग से साझा करूं जिन्हें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में करियर बनाना है, ताकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आसानी से हर एक साथी को सफलता प्राप्त हो। साथियों, इसमें आप सबका सहयोग सब्सक्राइब और शेयर के रूप में मुझे जरूर चाहिए होगा। साथ ही बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी को अपडेट की जानकारी निरंतर मिलती रहे। एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। आइए सीखें कुछ नया। तो देखिए, जैसे हमने लास्ट जो कल के सेशन में हमने मास्टर ट्यूटोरियल हमने एक्सप्लेन किया था, उसको हमने प्रैक्टिकली देखा, ठीक है। तो आज जो है वो हमारे रिलेशनशिप है, लुकअप है, जंक्शन है, हायरार्किकल है। इसमें हम इतना इन डेप्थ हम प्रैक्टिकल नहीं देखेंगे, क्योंकि हम अगर आपने मास्टर डिटेल को अच्छे से एक्सप्लेन समझ लिया, अच्छे से आपने उसको देख लिया, जो कि हमने पूरा एक्सप्लेन किया था एक एक स्टेप प्रैक्टिकल करके, तो यहाँ पे वो आपको इतनी प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट होगा मैं प्रैक्टिकल उसको करके दिखाऊंगा। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि लुकअप रिलेशनशिप एक होता है, और मैंने कल भी आपको बताया था कि दो तरह के पेरेंट्स होते हैं, एक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट और एक बहुत कैजुअल। तो लुकअप जो है ना, वो मास्टर डिटेल से एज कम्पेयर टू मास्टर रिलेशनशिप बहुत कैजुअल है। कैजुअल इन द सेंस, देखो पहला चीज इसका ये पॉइंट ऊपर लिखे है ना, इसको इसी को हम अपोजिट है इसका, ठीक है। यहाँ पे कास्केट डिलीशन नहीं होता, मींस पेरेंट डिलीट होगा तो चाइल्ड डिलीट नहीं होगा, ठीक है। मैक्सिमम रिलेशनशिप जो लुकअप आप बना सकते हो एक ऑब्जेक्ट पे, वो है आपका 40, ठीक है। लेकिन लेट से अगर एक ऑब्जेक्ट पे आपने एक मास्टर डिटेल बना लिया तो आपका लुकअप बनेगा 39, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है टोटल रिलेशनशिप बनते हैं 40। अब आप 40 रिलेशन, मतलब 40 के 40 कंप्लीट रिलेशनशिप आप बना सकते हो लुकअप। अगर आपने उसमें मास्टर डिटेल बना लिया एक तो बनेंगे 39, दो बना लिए तो बनेंगे 38, ठीक है। यहां पे जैसे आपका ये रिक्वायर्ड नहीं होता है, अब क्योंकि लुकअप रिलेशनशिप रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो आप जो है इसको पेज लेआउट से भी रिमूव कर सकते हो, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पे, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट जो होता है ना, उस पे भी आप लुकअप रिलेशनशिप बना सकते हो। मींस आप स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को एज ए चाइल्ड ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हो, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं था आपका मास्टर डिटेल में, ठीक है। चाइल्ड ऑब्जेक्ट की जो शेयरिंग प्रॉपर्टीज है, मतलब जो रिकॉर्ड शेयरिंग है, वो कंट्रोल नहीं होती पेरेंट से, उसमें आप डिफरेंट अपनी प्रॉपर्टीज आप लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर ऑब्जेक्ट में आपके रिकॉर्ड्स हैं तो आप लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर सकते, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है।
तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कभी आपको रोल अप समरी फील चाहिए हो तो आप मास्टर टिल सेलेक्ट करोगे। आपको अगर आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जहां पे कास्केट डिलीशन आपको चाहिए तो आप मास्टर टिल आप उसको सेलेक्ट करोगे। आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि अगर आपको खास कर रिलेशन नहीं चाहिए, रोल ऑफ समरी का कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है, लुकअप में सेलेक्ट करोगे। और लुकअप में लुकअप ही फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है बिकॉज ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है मास्टर डिटेल के कंपैरिजन में। ठीक है, कैसे बनता है ये? सेम उसी तरीके से बनेगा जैसे अगर मैं अकाउंट में गया, मैं अकाउंट कोई मैं मतलब मैंने कहा ना कि ऐसे हमारा ये इसी को मुझे अगर यहाँ पे लुकअप रिलेशनशिप बनाना है तो मैं यहाँ पे गया, व्यू फील सेम बनेगा, जो आपका स्टैंडर्ड है आपका कस्टम है उस सेम तरीके से बनेगा, कोई डिफरेंस नहीं होता। यहाँ पे लुकअप गया मैं, ठीक है, और लुकअप सेलेक्ट करने के बाद मैंने ये किया, यहाँ पे मैं जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मेरा ऑब्जेक्ट अगर मैं इसी को लेता हूँ, कोर्स को, ठीक है, लिया। रिकॉर्ड टाइप दिखना पड़ेगा, देखिए कोर्स ये आ गया, ठीक है, यहाँ पे आपका लुकअप बना हुआ है, यहाँ पे आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं है ये, ठीक है। अब आपका काम क्या होगा, ये जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं आपको, इन सारी प्रॉपर्टीज को आप टेस्ट करोगे, ठीक है। चलिए, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि लेट से मेरे पास मास्टर डिटेल है तो क्या मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूं लुकअप में? आपका आंसर होगा यस, कंडीशन होगी कि रोल अप समरी फील्ड का यूज नहीं होना चाहिए। अगर रोल अप समरी फील्ड है तो आप मास्टर डिटेल को लुकअप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपका एक क्वेश्चन ये भी आता है इंटरव्यू में कि ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड्स हैं और हमारे पास मास्टर डिटेल बनाना है हमको पर बन नहीं पा रहा, तो ये बात तो हमने कल देखी थी कि हाँ नहीं बन पाता है ना, तो कैसे बनेगा? तो पहले क्या करना है, जितने भी उस ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड होंगे आप लुकअप बनाओ पहले रिलेशनशिप, ठीक है, लुकअप रिलेशनशिप बनाओ और जितने भी आपके रिकॉर्ड होंगे उन सारे में आप उनका पेरेंट असाइन करो, ठीक है, देन आप जैसे डेटा टाइप चेंज करते हो वैसे आप उसको कर सकते हो चेंज। ये आप जो है इसको करोगे, आई मीन इन दोनों को करोगे, लुकअप को मास्टर, मास्टर में लुकअप, और इसका आप सेशन रिकॉर्ड करोगे, आप दोनों ही सेपरेट सेपरेट एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है, और वो आप शेयर करोगे, ठीक है जी, ये बात क्लियर है अंकित? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार हम ये, अब आता है हमारा जंक्शन ऑब्जेक्ट। देखो जंक्शन में जैसे हम बोलते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपने अगर मास्टर डिटेल और लुकअप समझ चुके हैं तो ये जंक्शन और हायरार्किकल कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखिए पहली प्रॉपर्टी ये है कि जंक्शन रिलेशनशिप में जंक्शन ऑब्जेक्ट जो होगा दैट वो हमेशा कस्टम ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, एक सेकंड ना,
है, जंक्शन ऑब्जेक्ट में आपका, आई मीन जंक्शन रिलेशनशिप में जंक्शन ऑब्जेक्ट हमेशा कस्टम होगा। जो जंक्शन ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर मास्टर डिटेल रिलेशनशिप ही बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहा गया, ये मेरा एक कस्टम ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं पहले बना देता हूं। एक मिनट, गलत बन रहा है, ठीक है। देखिए पी वन पी टू हमारे, मैंने जैसे बताया है कि जंक्शन रिलेशनशिप जो है वो आपका जंक्शन ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा कस्टम ऑब्जेक्ट होगा आपका, ठीक है। उस पर आपके दो रिलेशनशिप, आई मीन जब हम कहते हैं ना मास्टर रिलेशनशिप, तो मास्टर दो ही बन सकते हैं, तो दो रिलेशनशिप आपके बनेंगे, एक आपका पी वन मतलब पहला पेरेंट और एक पी टू दूसरा पेरेंट। जो भी पेरेंट पहले बनेगा, जैसे यहाँ पे P1 पहले बना है, तो P1 पहले बनाएगा मतलब ये कि कस्टम ऑब्जेक्ट जो है आपका जंक्शन ऑब्जेक्ट जो है, जिस भी किसी ऑब्जेक्ट से पहले रिलेशनशिप आप बनाओगे मास्टर डिटेल, P1 से बनाओ या P2 से बनाओ, तो उसी की प्रॉपर्टीज ये आपका जंक्शन ऑब्जेक्ट इनहेरिट करेगा, P2 की नहीं करेगा, सेकेंड जो पेरेंट होगा ना उसकी नहीं करेगा, ठीक है। थर्ड, आप P1 को डिलीट करोगे चाइल्ड ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा, और सेम P2 को डिलीट करोगे चाइल्ड ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। लेकिन आप चाइल्ड ऑब्जेक्ट को डिलीट करोगे तो ना तो P2 डिलीट होगा ना P2, ना P1 डिलीट होगा, चाइल्ड ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? तो जंक्शन में इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आप ये चीज हमेशा याद रखना, जंक्शन को फिर मैं बता रहा हूं, जंक्शन जो आपका रिलेशन है या जंक्शन जंक्शन रिलेशनशिप को जिसको हम बोलते हैं, उसमें आपका जंक्शन ऑब्जेक्ट हमेशा कस्टम होगा हमेशा, ठीक है। दो आपके पेरेंट होंगे, ठीक है, पेरेंट आपका जो है वो दोनों ही मास्टर डिटेल से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे P1 है वो एक मास्टर रिलेशनशिप बना दिया, और हमने P2 पे जो है वो एक P2 ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर दिया, वो भी एक मास्टर रिलेशनशिप हो गया। अब इन दोनों में जो हमने पहला ऑब्जेक्ट हमने कनेक्ट किया है, मतलब पहला पेरेंट जिसको बनाया होगा, यहाँ पे जैसे मान के चलिए हमने P1 को पहला पेरेंट बनाया है, तो उसकी प्रॉपर्टीज आपकी ये ऑब्जेक्ट आपका इनहेरिट करेगा, चाइल्ड ऑब्जेक्ट या जिसको हम बोलते हैं जंक्शन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कास्केड डिलीशन यहाँ पे भी होगी, और उसमें जो भी ऑब्जेक्ट आप डिलीट कर दोगे, अगर P1 डिलीट करोगे तो P1 से डिलीट होते ही चाइल्ड हो जाएगा डिलीट, अगर आप P2 डिलीट करोगे तो P2 डिलीट होते ही आपका चाइल्ड हो जाएगा डिलीट। ये बात क्लियर है? ठीक है, कोई यहां तक डाउट आपको? अब क्योंकि आपने जब कल आपने मास्टर टेस्ट समझ लिया, आपको आज चीजें इजी लग रही होंगी समझने में, आपको ऐसी कोई डिफिकल्टी समझ में नहीं आ रही होगी कि मतलब कैसे होगा, क्योंकि कल आपने वो मास्टर टेस्ट आपने समझ चुके हो इन डेप्थ, इसलिए वो इम्पोर्टेंट था समझना बहुत ज्यादा। अब आते हैं एक हायरार्किकल रिलेशनशिप में, हायरार्किकल रिलेशनशिप। देखो ये हायरार्किकल रिलेशनशिप क्या होता है इसको भी समझते हैं। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें मेरा एक
रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड मेरा यहाँ पे वन और ये रिकॉर्ड है टू। हायरार्की क्या होती है? हायरार्की मतलब होती है कि ये इससे सीनियर, ये उससे सीनियर, यही हायरार्की होती है ना। और हायरार्की होती है तो सिमिलर उसमें होती है, ऐसा नहीं होगा, जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं होगा कि एक कंपनी में एक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट दूसरी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। या एक कंपनी का मैनेजर, मतलब एट अ टाइम बात कर रहा हूँ, अगर स्विच करता है तो बात अलग है, क्योंकि फिर वो स्विच करता है तो उसी कंपनी में आ जाएगा ना। पर लेट से अगर आपका टेक महिंद्रा का मैनेजर है तो वो टेक महिंद्रा का मैनेजर होगा, वो विप्रो का मैनेजर नहीं आएगा। अगर उसको विप्रो का मैनेजर बनना है तो वो स्विच करेगा। तो हायरार्किकल ऐसा ही होता है। हायरार्किकल मतलब होता है कि एक ही ऑब्जेक्ट में एक रिकॉर्ड का जो पेरेंट होगा वो उसी ऑब्जेक्ट का कोई दूसरा रिकॉर्ड होगा। यहां पे जैसे मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं तो वो ये कि ये अगर मेरा चाइल्ड है और ये मेरा पेरेंट है, ठीक है, ये समझ में आ रही है आपके? मतलब ये पेरेंट है और सेकंड चाइल्ड है। हाँ, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पे दो रिकॉर्ड हैं। अब एक रिकॉर्ड जो है आपका चाइल्ड बिहेव कर रहा है और दूसरा वाला उसका पेरेंट, ठीक है। अब इसका इंटरव्यू क्वेश्चन क्या बनता है? ये तो चलो, ये तो आपने समझा दिया, किस ऑब्जेक्ट में हायरार्किकल रिलेशनशिप अवेलेबल है? तो सिर्फ और सिर्फ यूजर ऑब्जेक्ट में ये हायरार्किकल रिलेशनशिप आपका पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल जो स्टैंडर्ड जो आपका है वो आपका यूजर ऑब्जेक्ट में है, ठीक है। दिखाता हूं कैसे। ऑब्जेक्ट मतलब स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, कस्टम ऑब्जेक्ट, यूजर, यूजर स्टैंडर्ड ही होता है ना यार, मतलब हम रिलेशनशिप बात कर रहे हैं और आप ये उसमें पूछ रहे हो। नहीं, आप कह रहे थे यूजर ऑब्जेक्ट, तो यूजर ऑब्जेक्ट खुल तो गया। यूजर ऑब्जेक्ट मैंने बताया था, ये सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, यूजर प्रोफाइल, यूजर का मैंने क्या बताया था, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बताया था। तो अब जैसे यहाँ पे ये मेरा इसे यूजर का रिकॉर्ड खुल गया, ठीक है, ये सारी डिटेल आ रही है, यूजर डिटेल आ रहा है ना यहाँ पे, ये फील्ड आ रही है ना, अगर मैं इसको एडिट करूंगा तो ये फील्ड है ना ये सारी, करेक्ट। यहाँ पे मिल रहा है हायरार्किकल रिलेशनशिप, कहीं और आपको नहीं मिलेगा ये रिलेशनशिप, सिर्फ यूजर ऑब्जेक्ट में मिलता है ये। अब आपने इसमें डाला पेरेंट यूजर, ठीक है, चाइल्ड रिलेशनशिप का नेम आपने दे दो उसमें चाइल्ड यूजर, ये बन गया हायरार्की, ठीक है। अब जरा एक बार यूजर्स में जाते हैं, मैंने यहां पे इसको ओपन किया, अब यहां पे आपको ये पेरेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। एक सेकेंड, कहां पे क्या नाम दिया था हमने इसका, एक मिनट, पेरेंट दिया था ना, ये रहा, देखिए तो ये हैंग होता रहता है, ये प्रॉब्लम है, इसको चेंज करना पड़ेगा। देखिए आ गया पेरेंट यूजर,
यूजर ही है ना, और यहाँ पे मैं यूजर सिलेक्ट कर लेता हूँ, वो इस यूजर का पेरेंट बन जाएगा। अगर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और मैंने सेव कर दिया, एक सेकंड, ये देखिए ये रहा। तो हायरार्किकल रिलेशनशिप आपका सिर्फ और सिर्फ यूजर ऑब्जेक्ट में मिलता है। अब एक चीज और है, ठीक है, रिलेशनशिप हायरार्किकल रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ आपका यूजर ऑब्जेक्ट में मिलता है, पर एक सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर हमने स्टैंडर्ड देखा है, किसमें हमने देखा है, अकाउंट में भी, जहां पे अकाउंट का पेरेंट अकाउंट होता है, ये रहा। ठीक है, आप पेरेंट अकाउंट चूज करोगे, वो पेरेंट बन जाएगा इसका। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्योंकि ये तो हायरार्किकल जो है ये आपका यूजर ऑब्जेक्ट में अवेलेबल है सिर्फ, तो ऐसा क्या किया जाए अगर मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी हो किसी ऑब्जेक्ट में मुझे बनाना हो हायरार्किकल रिलेशनशिप जैसा, तो क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं करना है आपको, उस ऑब्जेक्ट पे एक लुकअप रिलेशनशिप बनाना है जिसमें पेरेंट आप उसी ऑब्जेक्ट को रखोगे। कैसे करेंगे? जैसे मैं यहां पे गया, ठीक है, आप व्यू फील्ड्स में जाओ, इसको मैंने यहां पे आप न्यू कर देना, लुकअप डाल देना, यहां पे आपको इज इट टू कॉन्टेक्ट, ये बन गया आपका पेरेंट कॉन्टेक्ट, लुकअप किस पे, कॉन्टेक्ट पे, ठीक है, कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट ही है ये, ठीक है, कॉन्टेक्ट में जाओ, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप क्लिक करो, ठीक है, और वहां पे ये आ गया पेरेंट कॉन्टेक्ट। यहाँ पे कोई भी पेरेंट, किसी भी कॉन्टेक्ट को आप सिलेक्ट कर लो, वो इसका पेरेंट बन जाएगा। ये चीज आपकी स्टैंडर्ड में भी बन जाती है और कस्टम में भी बन जाती है। अब एक चीज और, एक कॉन्सेप्ट है आपका, वो है लुकअप फिल्टर। क्या करना है आपको मैं बता देता हूं, ये मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ये आपको देखना है, ठीक है, लुकअप फिल्टर, क्योंकि हायरार्किकल समझा चुका हूं, लुकअप फिल्टर आपको देखना है और लुकअप फिल्टर को देख के आपको ये इंप्लीमेंट करना है। इसका मैं लिंक आपको मैं शेयर कर देता हूं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहां पे शेयर कर रहा हूं, ठीक है, ये आपको करना है।